हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे फिंगर अबैकस। हमने ऑलरेडी थोड़े वीडियोस हम फिंगर अबैकस किए थे, तो पहला अगर आप नए हो तो पहला उस वीडियो को देखिए, फिर ये वॉच कीजिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बिग फ्रेंड। तो हमने ऑलरेडी डायरेक्ट मेथड और स्मॉल फ्रेंड से थोड़े बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो अभी हम बिग फ्रेंड देखेंगे। बिग फ्रेंड का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट तो वही है, जब दो नंबर को ऐड करते हैं और रिजल्ट अगर 10 आता है, स्मॉल फ्रेंड के लिए 5 आना चाहिए, बिग फ्रेंड के लिए अगर 10 आता है, वो दो नंबर को एक दूसरे का फ्रेंड बोला जाता है। तो वही कॉम्बिनेशन से हमें फार्मूलाज बनते हैं, तो वही फार्मूलाज मैंने यहाँ लिखा था। तो हमें फार्मूला से 1 to 9 नंबर्स का, अगर आप वन फिंगर आपको अवेलेबल नहीं है तो 1 को हमें कैसे लाना होगा, हमें 10 को ऐड करना होगा और 9 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। आपको अच्छी तरह से याद रहने के लिए मैं 10 को कॉमन फ्रेंड बोल रही हूँ और 9 को बेस्ट फ्रेंड बोल रही हूँ, ठीक है। तो 1 आने के लिए कॉमन फ्रेंड को मिला दो और बेस्ट फ्रेंड को हटा दो, तो तभी आएगा तुम्हें 1। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 कॉम्प्लीमेंट्री इज 9, 9 कॉम्प्लीमेंट्री इज 1, दिस इज़ विथ रेस्पेक्ट टू 10। ये विथ रेस्पेक्ट टू 10 है, फिर विथ रेस्पेक्ट टू 5 मतलब वो स्मॉल फ्रेंड में चले जाता है, ठीक है। ये है विथ रेस्पेक्ट टू 10। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे सभी कॉम्बिनेशन, अगर फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड को ऐड करेंगे तो हमें कॉमन फ्रेंड 10 आएगा, ठीक है। अभी हम सभी फॉर्मूलाज को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करने चलेंगे। सो +1 इक्वल टू +10 -9, +2 इज इक्वल टू +10 -8, +3 इक्वल टू +10 -7, +4 इक्वल टू +10 -6, +5 इक्वल टू +10 -5, +6 इज इक्वल टू +10 -4, +7 इज इक्वल टू +10 -3, +8 इक्वल टू +10 -2, एंड देन +9 इज इक्वल टू +10 -1, ओके। सो ये सभी पॉजिटिव नंबर्स लाने के लिए है, और हमें अगर नेगेटिव नंबर्स आना होता है तो इन सभी सेम फॉर्मूला तो यही है, सिर्फ हमें साइन चेंज करना होगा हर एक नंबर का, ओके। सो +1 होगा -1, +10 होगा -10, एंड -9 होगा +9। तो हमने फॉर्मूलाज तो पढ़ लिया, तो अब हम देखेंगे हमें इस फॉर्मूलाज को कब कहाँ यूज़ करें। तो जब भी हमें प्रॉब्लम डायरेक्ट मेथड और स्मॉल फ्रेंड से नहीं आता है तो तब हमें बिग फ्रेंड यूज़ करना होगा। तो चलिए चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 + 4, ये दोनों को हम डायरेक्ट मेथड से ऐड कर सकते हैं। सॉरी, मेरा हाथ थोड़ा नहीं दिख रहा है, बट इट्स ओके, आपको समझ में आती है। नेक्स्ट 1 ऐड करना है, 1 के लिए हमारे फिंगर्स अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, +10 करना होगा और -9, तो ये सारे क्लोज करना होगा, ठीक है। 10, नेक्स्ट +2 ऐड करना होगा, सो +2 के लिए फिर से हमें दो फिंगर्स ऐड करना होगा, तो ये डायरेक्ट मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर है 1 to 12। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, 9 + 1। सो +1 कैसे ऐड करना होगा, +10 -9, ठीक है। तो +10 करो और -9 करो। नेक्स्ट +3, नेक्स्ट +6, +6 डायरेक्ट मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर है हमारा 1 9 19। सो 5 + 4, राइट, तो 1 9 19 है। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सारे फॉर्मूलाज मतलब स्मॉल फ्रेंड और बिग फ्रेंड दोनों भी आपके पास रहना चाहिए, ताकि आपको आसानी से समझ आए, ठीक है। 6, देन +3, देन +1, सो हाउ टू ऐड +1, +10 -9, ओके, देन +3, सो द आंसर इज 1 3 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 + 3, देन +2, सो +2 कैसे ऐड करें, हम तो स्मॉल फ्रेंड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 5 ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। देन वी नीड टू गो फॉर बिग फ्रेंड, +10 -8, -5 6 7 8, ठीक है।
नेक्स्ट 13। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने और एक 2 को ऐड नहीं किया था। हाँ सिर्फ ओके मैं रेक्टिफाई कर रही हूँ। 11 + 2 विच इज़ 13। हाँ मैंने सोचा था मैंने ऐड नहीं किया है। 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 + 2। सो प्लस 2 कैसे ऐड करें? +10 - 8, ठीक है। देन +4, देन -3। सो द आंसर इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 + 2 + 10 - 8, देन +1, देन +5। डायरेक्ट मेथड, जब 5 अवेलेबल होता है हम डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना है। सो द आंसर इज 17। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 3। चलिए नेक्स्ट हम अगली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 8 + 3। सो +3 कैसे ऐड करें? +10 - 7, क्योंकि यहाँ 3 के लिए 2 ऑप्शन है, स्मॉल फ्रेंड और बिग फ्रेंड। स्मॉल फ्रेंड को हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हम 5 को यूज़ किया है। तो अभी हमें बचा है बिग फ्रेंड, तो बिग फ्रेंड यूज़ करके हम 3 को ऐड करेंगे। बिग फ्रेंड क्या बोल रहा है? +3 = +10 - 7। तो कर लेते हैं +10 और -7, तो आंसर है 11। 11 + 2 - 2, तो आंसर फिर से हमें आया है 11। 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 + 3, तो फिर से हमें बिग फ्रेंड यूज़ करना होगा। +10 - 7, देन -1, ध्यान से कीजिए, आराम से कीजिए, ठीक है। अगेन +2, मुझे तो नहीं दिख रहा है, मैं सोच रही हूँ फिंगर के मुताबिक +2 ही होगा, ठीक है। हाँ 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 + 3, सो +3 = +10 - 7, then +4, then -4, so the answer is 10। next question 9, so +4, so how to add +4? +10 - 6, +4 का फॉर्मूला वही है ना, हम स्मॉल फ्रेंड को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी 5 यूज़ किया है, तो इसलिए हमें बिग फ्रेंड यूज़ करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट -2, नेक्स्ट अगेन +2, सो द आंसर इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 + 4, +5 कैसा करना होगा? +10 - 6, ठीक है। अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है वैल्यूज़ क्या है बोलने के लिए, +3 है, देन +1 है आई थिंक, ठीक है। सो आंसर इज 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, नेक्स्ट +3, सो +3 कैसे करें? +5 अवेलेबल में है, तो जब भी हमें 5 अवेलेबल होता है उसी के जरिए से करना होगा। सो +5 - 2, तो हम स्मॉल फ्रेंड से कर रहे हैं, बिग फ्रेंड नहीं जा रहे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है पता नहीं, कुछ +4 है क्या? या +4, तो +4 के लिए हमें स्मॉल फ्रेंड नहीं है, बिग फ्रेंड। सो +10 - 6 है, देन नेक्स्ट वैल्यू पता नहीं क्या है, 6 है शायद, तो आंसर है हमारा 16। तो ये है हमारा आंसर। तो आज के बस यही प्रॉब्लम्स है। आप सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से ध्यान से करिए,
रिपीटेडली आप अगर आप करते हो तो आपको और अच्छे से समझ आती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गॉट ऑल द प्रॉब्लम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। डोंट फॉरगेट, एजी से जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।